हेलो एवरीवन, मेरा नाम आयुष लंकी है और आज मैं अपने यूट्यूब चैनल पे एक पोल्ट्री बर्ड के बारे में बताने वाला हूँ। जैसे आपको देख के ही लग रहा होगा कि इसका नाम क्या है, तो मैं बताता हूँ आपको इसका नाम क्या है। ये है वाइट लेगहॉर्न। वाइट लेगहॉर्न की तीन कलर की वैरायटी आती है, ब्राउन लेगहॉर्न, ब्लैक लेगहॉर्न, वाइट लेगहॉर्न। तो अभी मेरे पास जो ये अवेलेबल है वो वाइट लेगहॉर्न है। और वाइट लेगहॉर्न का जो करेक्टर होता है, जो इसका ये पी कॉम है, ये रोज सेप का होता है। और जो इसके ईयर लोब दिख रहे हैं, ये वाले ईयर लोब दिख रहे हैं, वो येलो कलर के होते हैं। ये इसकी एक यूनिक क्वालिटी है। और जो ये वाइट लेगहॉर्न है, इसका जो मेल का वेट होता है वो 1.5 किलो तक होता है, और जो फीमेल का वेट होता है वो 1 किलो से भी कम होता है। वाइट लेगहॉर्न जो है वो डुअल पर्पज़ ब्रीड है, मतलब कि इसको हम पहले एग के लिए पालते हैं, फिर जब एग मतलब जब ये ओल्ड हो जाते हैं फिर इनको हम एज ए चिकन के लिए यूज़ कर लेते हैं। लेगहॉर्न का जो पर ईयर एग होता है वो 280 to 300 तक अंडे देती है फीमेल। और उसके बाद जो है मतलब कि हम इसको 1 से 2 साल एग के लिए यूज़ करते हैं, और फिर उसके बाद इसको जो है कि हम चिकन के लिए यूज़ कर लेते हैं। और वाइट लेगहॉर्न का जो चिकन होता है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि बहुत टेस्टी होता है, और काफ़ी ज़्यादा उसमें न्यूट्रिशन प्रेजेंट होते हैं। और इसका बॉडी वेट तो देख रहे हैं आप। फाइनली इसको एक बार मैं अच्छे से दिखाता हूँ, पास से भी दिखा देता हूँ। ये थोड़ा एग्रेसिव ब्रीड होता है, मतलब ये जनरली जो होता है, अगर ये जनरली ये ह्यूमन पे भी कभी कभी अट्रैक्ट करने लगता है, मतलब दौड़ा दौड़ा के मारने लगता है, क्योंकि ये थोड़ा एग्रेसिव ज़्यादा हो जाता है। और इसकी जो ओरिजिन होती है वो इटली है। फर्स्टली इसको जो है कि यूएस में इसकी जो है कि रेयरिंग स्टार्ट की गई थी, अब फाइनली इंडिया में हर जगह अवेलेबल है। जनरली इसको नॉर्थ में पाला जाता है, और अब तो यूपी में भी इसकी पोल्ट्री फार्म में पाले जाते हैं। और जनरली एग के लिए जो पोल्ट्री बर्ड यूज़ होती है वो वाइट लेगहॉर्न ही यूज़ होती है, क्योंकि ये इनकी एग का जो वो एग की जो लिमिट है वो काफ़ी ज़्यादा है अदर ब्रीड की कैपेसिटी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Please subscribe my channel.